वैकेंसी तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। यूपी पुलिस बोल रहे हैं आने के लिए लेकिन अभी तक नहीं है, 8 साल हो गया अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। यूपी में राम राज तो है लेकिन वही मंदिर मस्जिद का बात हो रहा है बस, तो राम राज को मंदिर को लेकर के क्या करेंगे, मंदिर की केवल बात, मंदिर मस्जिद की बातें होती रहती हैं बस, अभी तक तो कुछ नहीं निकला हुआ है। मौका 2 साल से आ तो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर तो हो उसका। बिहार पुलिस में 21,000 से अधिक पदों पर सिपाही की भर्ती परीक्षा निकाली गई है, आज से लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। हमारे साथ यूपी के अभ्यर्थी है जो यूपी से आए हैं परीक्षा देने। कहाँ से आए हैं भैया? विकास परिषद अयोध्या से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश। यहाँ परीक्षा देने आए हैं जी? बिहार में? बिहार में। यूपी में परीक्षा नहीं है? नहीं, यूपी में भी तो कोई परीक्षा नहीं चल रही है। वैकेंसी तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। यूपी पुलिस बोल रहे हैं आने के लिए लेकिन अभी तक नहीं है, 8 साल हो गया अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। यूपी पुलिस का 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया हुआ है। अगर सुनते हैं यूपी में तो राम राज है। यूपी में राम राज तो है लेकिन वही मंदिर मस्जिद का बात हो रहा है बस, तो राम राज को मंदिर को लेकर के क्या करेंगे, मंदिर की केवल बात, मंदिर मस्जिद की बातें होती रहती हैं बस, अभी तक तो कुछ नहीं निकला हुआ है। नहीं मिल रही है? नहीं, नौकरी वहाँ पर नहीं मिल रहा है अभी। क्या कहा जा रहा है? बस आज मतलब महीने 2 महीने से बोल रहे हैं कि आने वाला है लेकिन अभी तक तो आया नहीं, कोई नौकरी नहीं आई वहाँ पर। योगी सरकार बन गई है वहाँ पर तो वही तो बोल रहे हैं कि 8 साल हो गए जब से योगी का सरकार बना, कोई पुलिस की वैकेंसी 8 साल से नहीं आई हुई है। अखिलेश के सरकार में आया था, योगी के सरकार में नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। यहाँ इलेक्शन हो रहा है तभी तो वैकेंसी आ रहा है, यहाँ अगर इलेक्शन नहीं होता तो सिंपल यहाँ वैकेंसी भी नहीं आता। यूपी में भी तो इलेक्शन चालू है, केंद्र में इलेक्शन चालू तो है, वो भी तो बोल रहे हैं कि हाँ यूपी पुलिस का आएगा लेकिन अभी तक तो नहीं है। केंद्र में चालू, फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। मैं जिला मऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यहाँ परीक्षा देने आया बिहार पुलिस? जी बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में बहाल हो जाएगा सिपाही में? क्यों नहीं, जरूर जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पे लगेंगे, क्यों नहीं। नौकरी तो मौका नहीं मिल रहा है क्या? मौका 2 साल से आ तो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर तो हो उसका? पेपर नहीं हो रहा है? नहीं, पेपर नहीं हो रहा उसका। वहाँ तो सुन रहे योगी राज है, वहाँ तो राम राज्य है। राम राज्य से क्या, राम राज्य से ठीक है, राम राज्य सही चल रहा है और डेवलपमेंट भी सही चल रहा है, तो क्या हमें नौकरी नहीं दी जाएगी? क्या हम उस सरकारी नौकरी के हकदार नहीं है, या उसकी वैकेंसीज नहीं निकल जाएगी? और बच्चे हैं जो टेक्निकली नहीं कुछ कर सकते, जो सिर्फ इसी फील्ड में अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो तो फिर नहीं कर पाएंगे ना। सर हम बलिया से हैं। परीक्षा हो रही है कि नहीं? परीक्षा ठीक हो रही है। सबसे बड़ी बात है सर कि जो योगी जी हैं वो बेरोजगारी पर बात कभी भी नहीं करते, केवल आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है वो कभी भी शिक्षा और जैसे सुधार पर कोई बात नहीं करते हैं। राम राज्य की बात होती है? राम राज्य ठीक है सर, उससे खाने को नहीं ना मिलेगा आपको, जैसे इसके लिए रोजगार चाहिए हम लोगों के लिए, अच्छा शिक्षित होना चाहिए, वो शिक्षा पर कभी बात नहीं करते, केवल ये वो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन उनको चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए। सर राम राज्य में तो सर राम जी जो थे वो सभी प्रजा का ध्यान रख रहे थे, तो ये प्रजा का ध्यान रख रहे थे हर एक चीज़ को लेकर, वो जो है कि प्रजा का ध्यान रखना हर एक चीज़ में, वो जो है कि जो भी मतलब कमियाँ थी उसको दूर कर रहे थे, तो ये तो हमारी जो युवाओं की कमियाँ हैं उसको दूर नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे, कहाँ से आए भैया? बलिया से हैं, यूपी जिला से आए। हाँ बिहार में? हाँ सिपाही में भर्ती होइएगा? हाँ भर्ती के लिए ही आए हैं, यूपी में तो भर्ती निकल नहीं रही है यूपी पुलिस के 3-4 साल से, बस ये हो रहा है कि आज नोटिफिकेशन आने वाला है, कल आने वाला है, ऐसे में बस ऐसे ही हो रहा है। राम राज्य है, सब ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन रोजगारों युवाओं पर बात नहीं हो रही है। बात नहीं हो रही है? नहीं। बिहार में आए? हाँ बिहार में नौकरी निकल रही है? हाँ निकल तो रही है, अभी पुलिस का निकला, अभी टीचर का निकला था, SSC का तो सेंट्रल का निकल रहा है खूब। हाँ क्या कहाँ से आए भैया? यूपी फिरोजाबाद से। बिहार में? हाँ क्या है? नौकरी के लिए। यूपी में नौकरी नहीं है? नहीं नहीं यूपी में कोई नौकरी नहीं है। राम राज्य है वहाँ तो, राम राज्य से सच्चाई कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ नौकरी नहीं मिलता है? नहीं नौकरी नहीं है कोई, केवल नोटिफिकेशन देता है, एग्जाम भी नहीं हो रहा है। नौकरी बिहार में? बिहार में है, मतलब बिहार में बहाल हो जाएगी? हाँ हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, फटते तो बिहार में। हाँ बिहार में हो जाएंगे। क्या अयोध्या से आए हैं जी हम, यूपी से? अयोध्या से आए जी। यहाँ बिहार में? जी बिल्कुल। परीक्षा सिपाही में भर्ती हुई? जी बिल्कुल होंगे। यूपी में कहे नहीं कर रहे? वैकेंसी नहीं निकल रही है, डिले हो रहा है मामला बस। नहीं वैकेंसी निकल रही है, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं निकल रही है, SSC GD वगैरह में निकल रही है। अपनी अपनी तैयारी का मैटर होता है ना, कौन किसके काबिल है, कौन किसकी तैयारी कर रहा है। अब हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यूपी की तैयारी चाहिए, उसके लेवल के हैं हम तो उसी लेवल की तैयारी। तो बदनाम है, जंगल राज है ही, इतनी देर से हम खुद ही देख रहे हैं, कोई स्टिकर वगैरह कुछ लगा ही नहीं यहाँ पे, रोल नंबर लेके खड़े हैं यहाँ पे। अरे है नौकरी है,
लेकिन अब यहाँ का मामला देख के लग रहा है कि यहाँ नौकरी करने से अच्छा कि ठीक है बेरोजगारी है तो करना है जरूरी है, करना है नौकरी बिल्कुल, बेरोजगारी नहीं नौकरी है उस लेवल के हम नहीं है ना, वो SSCGD निकाल रही है नौकरी, निकाल रही है, कैन निकाल रही है, यूपी पुलिस में कहाँ से आई है, तो हम क्या कह रहे हैं नहीं आई, तो यही तो कह रहे हैं हमने 2020 से बैच खरीदा है, पढ़ा उसकी तैयारी कर रहे हैं, कहाँ निकली, बड़ी संख्या में यूपी से आए, कहाँ से आए, गोरखपुर से आए, हाँ गोरखपुर से आए, अरे तो क्या करेंगे, क्या होगा फिर अब बिहार लोग का जो देखिए अब क्या होता है, अब सब यूपी से आ गए, हाँ सब यूपी से आए हैं, यूपी में तो राम राज्य नौकरी, तो वो मंदिर मंदिर मांगे तो राम राज्य तो ही है, मांगने जाएंगे मंदिर में क्या, हम लोग बैठेंगे कटोरा लेकर मंदिर से क्या करेंगे लेके, ये नौकरी नहीं मिलेगी तो तभी तो पैसा मिलेगा, मंदिर मंदिर में कहाँ से आए हैं, मऊ जिला से हाँ, बिहार में सिपाही में भर्ती हो जाएगा, ठीक है यार भर्ती नहीं करा, भर्ती नहीं है बिहार में, बिहार में मध्य प्रदेश बहुत जगह नौकरी मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है, अभी तो निकला है, हाँ निकला था अभी, टीचर का भी निकला था, बिहार भर्ती और मुरादाबाद से, मुरादाबाद से, हाँ जी मुरादाबाद से, बड़ी दूर है 900 किलोमीटर, कोई बात नहीं नौकरी करने कहीं भी जा सके, नौकरी करने कहीं भी जा सके, कहीं भी जा सके, सिपाही भर्ती में परीक्षा, बिल्कुल सिपाही भर्ती के लिए यहाँ यूपी में आए, यूपी में देंगे, यूपी में आती है कि नहीं, आती है आएगी, आएगी हाँ, अभी पिछली बार SI की आई थी, जब दम नहीं तो SI नहीं टूटा हमसे, जब दम होगा SI भी टूटे, अभी आई थी 2019 में आई थी, 18,000 अभी आई थी, 20 में आई थी ना, 20 में क्लियर हुई ना भाई, हाँ 3 साल तो हमसे हमारी मतलब क्वालिफिकेशन नहीं थी, इतनी कर रहे नहीं थी तो नहीं टूटा, सिपाही की आ रही है, सिपाही की आ रही 52,000 उसे देखेंगे, आएगी भाई वो आनी है, पेट में दो पेपर कर दिए, पेट में दो पेपर कर दिए, चलो हाँ पेट, सुनो लेखपाल की आई थी पेट में, जी मैं कह रहा लेखपाल में कितने नंबर थे आपके पेट में, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी से आए हैं, परीक्षार्थी हैं यूपी से आए हैं, बेरोजगारी का आलम है, यूपी से आकर बिहार में परीक्षा दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं यूपी में राम राज्य है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, लेकिन देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और अलग अलग तरीके से नारेबाजी हो रही है, परीक्षार्थी बड़ी संख्या में आए हैं और साफ साफ कह रहे हैं यूपी में नौकरी नहीं है, यूपी में एक नाम के नौकरी नहीं है, ऐसे में बिहार आना पड़ा है, मजबूरी है इसलिए बिहार आ रहे हैं।